few moments later. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस यही देखना तो बाकी था। बचपन का प्यार। कल सोते सोते बहुत सोच रहा था कि भाई बचपन का प्यार आकर खत्म ही हो गया, लेकिन आज ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो टट्टी है। और तुम हरामी लौंडे, ये सफेद सफेद जो देख रहे हो कुछ गलत मत समझो, चीज है। अच्छा देखा जाए तो बादशाह के पानी ने कुछ कम तबाही नहीं मचाई थी। बादशाह के नहीं, जैकलिन की पानी। जिसकी भी हो उससे मुझे क्या। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। मैडम हम आ रहा हूँ गमछा लेके, आपका सारा पानी पोस दूंगा। आऊ माधर चोद, आपका सैया ऐसा दोबारा किया तो ओकरी मात चोद दूंगा। तबाही तो खूब मचाई थी, लेकिन उससे बादशाह को शांति नहीं मिली। बादशाह ने और एक नया बवासीर लाके खड़ा कर दिया। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। भाई आज दोपहर को घर पे कोई नहीं था, मस्त में बैठे बैठे तैयारी कर रहा था। अब जब घर पे मम्मी पापा नहीं होते, एक लड़का अकेले घर पे क्या करे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। अब जो भी हो, मैं मस्त मोबाइल में VPN लगा के वेबसाइट खोल रहा था, नॉटी अमेरिका। तभी एक नोटिफिकेशन आया ऊपर से, बचपन का प्यार। भाई वो देखने के बाद मेरे दिल पे जो गुजरी ना, भाई आप लोगों को क्या ही बताओ। वैसे सोशल मीडिया पे बचपन का प्यार देखते देखते मेरा गान छिल गया। अब आ गया एक नया बवासीर। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओहो लौंडे की स्वैग। बहनचोद कोई मुझे जहर पिला दो, वरना मैं सैनिटाइजर पी के खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। तुमसे ना हो पाएगा। उसको फिक्र नहीं है दुनिया क्या कहेगी, तू ही थी तू ही है तू ही रहेगी। बादशाह का इस डांस स्टेप देखने के बाद मुझे तो कुछ अलग ही गाना का याद आ रहा है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के दमन में। बहनचोद मुझे तो इतना पक्का पता है कि ये गाना निकलने के बाद अब तो सबके स्टेटस में ही गाना देखने को मिलेगा, और स्टेटस ही नहीं इंस्टाग्राम रील्स ऐप भी सब जगह पे देखने को मिलेगा। बादशाह का ये सेकंड डांस स्टेप देखने के बाद मुझे और एक गाना का याद आ गया। करे जा करे जा करे जा करे जा करे जा करे जा करे जा। बच्चे का शक्ल दुख एक बार, वैसी बच्चे की कान फटी पड़ी है। अरे माँ चुदी पड़ी है। भाई तुम लोग बोलते हो ना इंडिया ओलंपिक में ज्यादा गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला सकता, बस एक यही रीजन है, जब तक हमारा इंडिया इन जैसे तट्टू को भी से भागता रहेगा तब तक इंडिया पीछे ही रहेगा। अरे यार बादशाह मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया में इतने सारे सिंगर है, इतने सारे रैपर है, उन लोगों को आगे नहीं ला सकते आप? आपको इस टट्टी को आगे लाना था क्योंकि आपको पैसा चाहिए। हाँ गाइस बात सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लग रहा है, लेकिन मेन रीजन तो यही है पैसा। अब आप लोग सोचो इस बच्चे को इंडियन आइडल में क्यों बुलाया गया, पैसा। अब सोचो इस बच्चे को एमजी हेक्टर से क्यों कार मिला 25 लाख का, पैसा। अब सोचो बादशाह ने इस बच्चे को लगे क्यों गाना बनाया, पैसा। भाई सोच रहे हो ये गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूट्यूब में, और गाइस इन जैसे टट्टू को कौन आगे बढ़ाता है, आप लोग। अभी गाइस टिकटॉक का फेसु रियाज ये लोग इतना फेमस क्यों है, आप लोगों की वजह से। ये बच्चा आज इतना फेमस क्यों है, आप लोगों की वजह से। भाई कुछ अच्छा, जो भाई कुछ अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा गाना गा रहा है, जो अच्छा रैप कर रहा है, जो अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, उनको आगे बढ़ाओ ना गाइस, उनका वीडियो देखो ना, उनका वीडियो शेयर करो ना। ये क्या शेयर करते हो आप लोग? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर अगले किसी टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, जय हिंद।